साथियों, महिलाओं में सकारात्मक बदलाव की प्रवृत्ति और संसाधनों के बेहतर से बेहतर इस्तेमाल की दूरदर्शिता हमें हर जगह पे मिलती है। परिवार में तो डगर डगर पे नजर आता है। अभी कुछ दिन पहले मैं मध्य प्रदेश गया था, तो वहां शहडोल के पास एक आदिवासी गांव में गया तो सभी आदिवासी बहनों को बुलाया था, लेकिन विशेषता यह थी कि उसमें 100 से ज्यादा लखपति दीदी आई थी, आदिवासी बेटियां लखपति दीदी। तो मैंने उनसे संवाद किया, एक बहन ने जो मुझे बताया वो वाकई हम सोच सकते हैं कि उनका सामर्थ्य कितना है। वो आदिवासी बेटी जो कहती है मैं लखपति दीदी हूं, मैं आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये काम करके इतना इतना कमाती हूं। तो मैंने पूछा इतना पैसा कमाने लगी तो करती क्या हो? एक आदिवासी महिला मुझे कह रही है, ये दिल्ली की महिलाओं के लिए भी आश्चर्य होगा, वो कहती है कि मेरे पति साइकिल पे जाते थे काम करने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए साइकिल पे जाते थे, मैं लखपति दीदी बन गई तो मैं उनके लिए स्कूटी ले आई। देखिए आत्मविश्वास, वो कह रही है मैं मेरे पति के लिए स्कूटी ले आई। फिर बोले मुझे पता चला कि मुझे बैंक से लोन मिल सकती है, तो मैंने सोचा कि मैं लोन से ट्रैक्टर ले लूं। बोले मैंने लोन से ट्रैक्टर लिया और मेरे पति को स्कूटी लेकर के मैंने उनको बदले में ट्रैक्टर दे दिया, और मेरे पति ट्रैक्टर लेकर के अगल बगल के गांव में खेती के लिए, लोगों की सेवा के लिए जाते और कमाई करते हैं। और बोले अब तो मेरी स्थिति है कि मैं कुछ ही महीनों में वो ट्रैक्टर की लोन भी वापस कर दूंगी। यानी एक मेरी आदिवासी बहन लखपति दीदी की क्या विजन होता है, कल्पना होती है। अभी एक दो महीने पहले मैं उनसे बात करके आया। साथियों, मुझे कहना यही है कि नारी शक्ति मंदन अधिनियम देश के भाग्य को बदलने का काम करेगा, और उसके पीछे मेरा जो अनुभव है इसके कारण मेरा विश्वास अनेक गुना बढ़ गया है। नारी जब कोई भी जिम्मेदारी संभालती है तो उस संकल्प को सिद्ध तक ले जाने के लिए वो जी जान से जुट जाती है। इस कानून का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि ये कानून देश की नारी शक्ति में बहुत बड़ा विश्वास पैदा करेगा, देश के लिए काम करने का जज्बा, भारत को आगे बढ़ाने की जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाएगी। आप गुजरात के डेयरी उद्योग को मैं भलीभांति जानता हूं, ये अमूल वगैरह इतने बड़े बड़े नाम सुनते हैं ना, उसके मूल में सभी महिलाएं हैं जो पशुपालन का काम करती है, दूध के व्यापार का काम करती है, और आज डेयरी को अरबों खरबों का व्यापार उन्होंने बना दिया है। हम लोग लिज्जत पापड़ जानते हैं, आदिवासी महिलाओं ने शुरू किया हुआ प्रकल्प आज मल्टीनेशनल कंपनियों को टक्कर मारने वाला लिज्जत पापड़, ये हमारी नारी शक्ति का परिचय देता है। ऐसा हर राज्य में आपको मिलेगा। उनका ये जो कौशल है, सामर्थ्य है, जो भगवान ने उनको नैसर्गिक गुण दिया हुआ है, वे कभी भी खराब क्वालिटी को स्वीकार नहीं करते हैं। हो सके उतना अच्छा करना, अच्छे ढंग से करना, ये सामर्थ्य होता है। और ये शक्ति जब राष्ट्र निर्माण में सक्रिय होती है तब राष्ट्र कितना आगे बढ़ सकता है इसका हम अंदाज लगा सकते हैं। महिलाओं के इसी कौशल का, उनकी लीडरशिप का उपयोग अब आने वाले दिनों में देश को होने वाला है। हमारी संसद में भी नारी शक्ति का महत्व दिखा है। सारे दलों को इस बिल का समर्थन करना पड़ा है। आप मान लीजिए यही लोग हैं जो पहले बिल फाड़ा करते थे, आज उनको बिल को समर्थन करना क्यों पड़ा? क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिला एक शक्ति बनकर के उभरी है, और हमने संसद में पहुंचने से पहले देश में सामर्थ्य जुटा दिया ताकि संसद में कोई हिल न पाए, इसका पूरा प्रबंध करके हम सदन में गए।
ये आप ही के सामर्थ्य पर भरोसा करके मैं गया था, ये आप ही की शक्ति पर भरोसा करके मैं गया था, और आपकी शक्ति ने रंग दिखा दिया कि सभी राजनीतिक दलों को इस काम में जुड़ना पड़ा।